विद्यार्थियों, आठवीं क्लास हिंदी बसंत बुक में से फर्स्ट चैप्टर की वर्क बुक में पहला चैप्टर जो है आपका ध्वनि, नेम ऑफ चैप्टर ध्वनि, इसका होमवर्क हम आपको दे चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर आपने राइट किए होंगे, चैप्टर्स को पढ़ा होगा, उसी आधार पर हमने आपको ये वर्क बुक प्रदान की हुई है स्कूल ने। और इस वर्क बुक में आप क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको आप उसमें से पढ़ करके और आप उस पर अपनी राइट करेंगे, वर्क बुक में ही फिलअप करेंगे। हम आपको इसकी पीडीएफ भेजेंगे जो होमवर्क की वर्क बुक की, उसको आप देखेंगे कि हमने उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उनको आप स्वयं करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन भी है। साथ साथ में इसी चैप्टर में लास्ट में एक चैप्टर व्याकरण का भी दिया गया है और वो व्याकरण का चैप्टर है विशेषण। इस विशेषण के लिए आपके पास फोटो भी पहुंचेगी कल और उसमें बताया है इसकी विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है और विशेषण के प्रकार कितने हैं आपको बता दीजिए। विशेषण के प्रकार चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक गुणवाचक विशेषण, नंबर दो संख्यावाचक और नंबर थर्ड परिमाणवाचक और नंबर फोर सार्वनामिक। नंबर फोर है सार्वनामिक। चार प्रकार के विशेषण होते हैं, इनके अलग अलग आपको कैटेगरी मिलेगी। जैसे गुणवाचक विशेषण क्या आता है, अच्छा बुरा काला गोरा मीठा खट्टा, ये जो वर्ण है गुणवाचक है, ये विशेष से पहले लगते हैं, यानी काला आदमी, आदमी जो है विशेष्य है और काला जो है विशेषण है। अच्छा आदमी, आदमी जो है विशेष्य है और अच्छा विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण के कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण को भी दो भागों में बांट दिया गया है। संख्यावाचक को दो भागों में बांट दिया गया है, नंबर वन निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और नंबर टू अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम ये कहें कि 10 दर्जन केले, तो यहां केले जो है केलों की संख्या 10 दर्जन है, संख्या निश्चित हो गई। 5 किताबें, तो 5 जो है निश्चित संख्या हो गई। अगर अनिश्चित संख्या वाले विशेषण का उदाहरण ले कि जैसे ये कहें कुछ आदमी, तो कुछ का पता नहीं कितने हैं, क्या है अनिश्चित है। इसी प्रकार से तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का इसके भी दो भेद हो गए हैं। नंबर वन निश्चित परिमाणवाचक और नंबर थ्री अनिश्चित, नंबर टू अनिश्चित परिमाणवाचक। आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, कि जैसे हम कहें परिमाण कहते हैं किसी चीज की मात्रा, जैसे 2 किलो दूध, तो दूध की संख्या
निश्चित है 2 किलो, और इसी प्रकार से हम कहें अनिश्चित परिमाण, जैसे कुछ दूध, कुछ लोग, इस प्रकार से कुछ दूध, कुछ चीनी, कुछ पदार्थ मिले जिसकी मात्रा हो, तो यह होता है अनिश्चित परिमाण मात्रा। अब चौथे नंबर का विशेषण हो गया सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सार्वनामिक विशेषण ये कौन सा विशेषण आ गया, आप थोड़ा सा समझें। जब विशेषण सर्वनाम, सॉरी, जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करे, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, जैसे अगर हम कहें ये जा रहे हैं, अब यहां पर ये शब्द जो है सर्वनाम है, और उसकी जगह पर हम अगर ये कहते हैं कि ये आदमी जा रहे हैं, ये आदमी जा रहे हैं, तो यहां पर ये शब्द सर्वनाम न रह करके विशेषण का काम करने लगा, क्योंकि आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये शब्द जो है सार्वनाम विशेषण हो गया। तो बच्चों ये बहुत ही संक्षिप्त टॉपिक हमने आपको दिया है, आपके पास वर्क हो की फोटोकॉपी को सोल्ड कुछ सोल्ड मिलेगी और उसमें आप देखेंगे, और उसी के साथ लास्ट में व्याकरण का टॉपिक भी मिलेगा जिसका नाम है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, हमने आपको बताया 1, 2, 3, 4 गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, अलग अलग आपको ब्रीफ में बताया उसकी डिटेल, और जब आपको उसका पूरी डिटेल मिलेगी तो उसको आप उसमें सॉल्व करना और उसको आप अच्छी तरीके से उसको व्याकरण को चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको राइट करेंगे। थैंक यू।